नमस्कार, मैं खुर्शीद खान राजू और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। अब वक्त हो चला है देश प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का। लखनऊ में दीपावली के अवसर पर सारा शहर जगमगा रहा है, लेकिन मेट्रो पिलर की लाइटें न जलने से चारबाग रोडवेज से लेकर गुरु नानक मार्केट तक अंधेरा छाया रहता है। लखनऊ में सपा नेत्री पूजा शुक्ला डायल 112 की महिला कर्मचारियों के समर्थन में लगातार धरने पर बैठी थी, जिसके बाद पूजा शुक्ला पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सुल्तानपुर में बंधुआ कला थाने के अलीगंज, साहबागंज, इस्लामगंज, दादूपुर और बंधुआ कला गांव में पटाखे की दुकानों का थाना अध्यक्ष रविंद्र सिंह ने आरक्षी राजेंद्र वर्मा और मोहन यादव के साथ आग से बचाव के लिए की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। अमेठी के 33 स्कूलों में बालिकाओं को अपनी रक्षा और सशक्त बनाने के लिए मार्शल आर्ट कराटे प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें राजकीय इंटर कॉलेज फुर्सतगंज के ट्रेनिंग शिविर में सहायक प्रशिक्षिका रितिका गुप्ता ने आकर लड़कियों को ट्रेनिंग दिया। अमेठी के थानों पर समाधान दिवस का आयोजन किया गया। थाना गौरीगंज में पुलिस अधीक्षक इलामारन ने आए हुए फरियादियों की शिकायतों को सुना और उनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए। अमेठी के थाना बाजार शुक्ल पुलिस ने दीपावली के अवसर पर अब्दुल्ला बहारपुर बस्ती के गरीबों को दीपावली का उपहार बांटा। अमेठी जनपद के जगदीशपुर मुसाफिर खाना बाजार समेत कई बाजारों में छोटी दीपावली के अवसर पर पटाखे की दुकानों पर लोगों ने जमकर खरीदारी की। अमेठी के जामो रोड कस्बा गौरीगंज में पुलिस अधीक्षक ने दीपावली त्यौहार के अवसर पर लगने वाली पटाखा की दुकानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने पटाखा दुकानदारों से अग्नि सुरक्षा के बारे में बात करते हुए जरूरी जानकारी दी। लखीमपुर खीरी के मुड़िया महंत मंदिर में आरोग्य भारती ने भगवान धन्वंतरी जी की जयंती मनाई। इस अवसर पर आरोग्य भारती के जिलाध्यक्ष डॉक्टर अश्वनी गुप्ता मौजूद रहे। लखीमपुर खीरे के सीओ सिटी संदीप सिंह ने व्यापारी नेता सुशील गुप्ता से मुलाकात कर दीपावली की शुभकामनाएं दी। आपको हमारी खबरें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इन खबरों को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं तो पेज को लाइक करके फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। राहत सेवा संस्थान, सर्व मानव अधिकार, मानवता के लिए बढ़ते कदम में आप भी अपना सहयोग करें। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।